यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो अवन श्रीमन नारायण ने ASN मूवी के रिव्यू को बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, और इसी वजह से मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा ASN के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ASN ने दो दिन में क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, प्लस उसके अलावा ASN ने सेकेंड डे में इतना कम कलेक्शन क्यों किया, थोड़ा सा मार्जिन कम क्यों हो गया, इसके पीछे की वजह भी बताऊंगा। उसके अलावा एक और रूमर्स चल रही है ASN मूवी को लेकर, वो रूमर्स क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मूवी आप लोगों को क्यों देखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो देखिए ASN मूवी की बात को, तो ASN मूवी एक ऐसी मूवी जो हमेशा नहीं बनती है, कुछ फिल्में ऐसी होती है जो हमेशा बनती है, हर हफ्ते बनती है, हर हफ्ते रिलीज भी होती है, लोग देखते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन ASN एक ऐसी फिल्म है जो दोबारा बनने वाली है नहीं, अगर इसका मेकर सीक्वल बनाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो ये मूवी रिलीज हुई है, ये मूवी एक ऐसा मास्टरपीस है। अगर आप ये मूवी को देखोगे, दिल से देखोगे, दिमाग से देखोगे, तो आपको ये मूवी समझ में आएगी। उसके अलावा इस मूवी की जो पीछे की मेहनत है, यानी कि इसके पीछे के जो लोग है, वो मेहनत आपको साफ समझ में आएगी और आप सिर्फ एप्रिशिएट करोगे और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए इस मूवी को बनने के लिए काफी साल लगे, और वो साल आप महसूस कर पाओगे पर्दे पर जब आप ये फिल्म को देखोगे। हालांकि ये फिल्म अभी सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रिलीज हुई, कनाडा वर्जन में, कनाडा लैंग्वेज में, लेकिन ये इस मूवी ने एक इतिहास बना दिया है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी ने कितना कमाया, तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। इस मूवी ने सिर्फ दो दिन में, महज दो दिन में, अगर इसकी कमाई की बात करो तो फ्राइडे के दिन इस मूवी ने लगभग 12.10 करोड़ की कमाई की थी, और सैटरडे को इस मूवी ने 10.10 की कमाई की है। और इसकी वर्ल्ड वाइड की बात करो तो वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 31.9 करोड़ की कमाई की है, और ये मूवी वर्ल्ड वाइड कनाडा लैंग्वेज में सिर्फ 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सैटरडे को इस मूवी ने 10.10 करोड़ की कमाई क्योंकि, जबकि इसने फ्राइडे को 12 की थी। देखिए सैटरडे को पहली बार तो एक वर्किंग डे था, हालांकि फ्राइडे भी वर्किंग डे था, लेकिन सैटरडे को इसकी कमाई लेस होने की वजह यह थी कि भाई जब ये मूवी रिलीज हुई तभी फौरन ही कुछ ही घंटों में ये मूवी ऑनलाइन लीक हो गई, यानी ऑनलाइन आपको डाउनलोड करके मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर साइट का नाम नहीं बताऊं क्योंकि मैं ASN को सपोर्ट कर रहा हूँ, खुले चैलेंज आपको बोल रहा हूँ कि मैं ASN को सपोर्ट कर रहा हूँ। और क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मूवी के कॉमन मूवी नहीं है, ये कोई ऐसी मूवी नहीं जो हर हफ्ते रिलीज हो रही है, या कोई ऐसी चूतिया वाली चीजें नहीं जो आप लोग देखोगे और भूल जाओगे। इस मूवी के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगी और मैं उस मेहनत को वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। तो मैं आपकी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को बता सकूं कि भाई इस मूवी को पायरेसी में जाके मत देखो, इस मूवी की पायरेसी मत होने दो, इस मूवी को डाउनलोड मत करो, प्लीज इस मूवी को थिएटर में जाके देखो। अगर आपको कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं समझ में आती रुको तो नेक्स्ट वीक तक रुको, आपको नेक्स्ट वीक में ये तमिल, तेलुगु और मलयालम में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको वो तीनों लैंग्वेज में भी नहीं समझ में आती है तो आप लोग एक काम करो, 17 तारीख तक रुको, ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्लीज इसको डाउनलोड करके ना देखें। ये मैं मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त मूवी है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो भाई किसी दूसरे के मुंह से सुन लो यार, अगर जिसने ये ASN मूवी आके देखा उससे आके सुन लो तो वो खुद तुमको बता देगा। अगर तुमको ऐसा लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई मेरी बात पे यकीन मत करो, लेकिन सिर्फ अगर कहीं से रिस्पेक्ट करते हो मेरी, अगर कहीं से मुझ पर भरोसा है तो ASN को थिएटर में आके देखो, क्योंकि ये एक अलग ही चीज है जो बार बार नहीं बनती है। अब मैं इसका जो रूमर्स है उस रूमर्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। रूमर्स ये चल रहा है इस मूवी के लोगों, देखिए जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो लोगों ने इस मूवी की तारीफ बहुत की और तारीफ अभी भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की कहीं ना कहीं शिकायत थी कि भाई मूवी की लेंथ ज्यादा है, 3 घंटे 6 मिनट कुछ ज्यादा है, सेकंड हाफ में इस मूवी को ट्रिम करना चाहिए था। मैंने भी बोला सेकंड हाफ में इस मूवी को ट्रिम करना चाहिए था, तो ये एक रूमर्स निकल के आया। तो अब क्या हो रहा है कि काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई इस मूवी का जो है ना ट्रिम कर दिया गया है, इस मूवी की लेंथ जो 3 घंटा 6 मिनट की थी उसको ट्रिम करके 2 घंटा 50 मिनट की कर दिया गया। कुछ व्यूवर्स का ये भी कहना है कि भाई इस मूवी को नेक्स्ट वीक जो तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज होगी तो उसके जो वर्जन होंगे वो 2 घंटे 50 मिनट के हो गए। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, देखिए मैंने काफी सर्च किया गूगल पे, लेकिन कहीं पे भी मुझे ये नहीं मिला मेकर्स की तरफ के हाँ भाई हम लोगों ने इस मूवी को ट्रिम किया, तो ऐसा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। अगर आपको मिलेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और रूमर्स निकला तो भाई रूमर्स निकला तो क्लियर करना बनता है, तो मैं आप लोगों से इतना बोल रहा हूँ कि इसको रूमर्स के हिसाब से अभी फिलहाल लो। हाँ ये है कि इस मूवी की जो लेंथ है उसको ट्रिम जरूर करेंगे, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। अगर तमिल, तेलुगु, मलयालम में नहीं करेंगे तो उसको हिंदी वर्जन में तो उन लोग जरूर करेंगे, क्योंकि सेकंड हाफ में कुछ ऐसे सीन्स है जिसको ट्रिम किया जा सकता था। उसके अलावा इस मूवी को ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मूवी, अगर आप दिमाग से होशियार है
तो ये मूवी आपको बहुत मजा आएगी देखने के लिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा पजल बताया है जिसको सॉल्व करते करते मूवी एंड हो जाएगी, और आप मतलब अगर आप बहुत होशियार तो आप लोग सॉल्व करोगे, मजा आ जाएगा यार। मतलब एक अलग ही लेवल की फिल्म है, और ऐसी एडवेंचर मूवीज देखने में बहुत मजा आती है, तो इसको मिस मत करो यार, थिएटर में जाके देखो। नई सफर हो रहा तो भाई अपनी लैंग्वेज में जाके देखो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं बस इतना बोलता हूँ कि ये ऐसा एक अच्छी मूवी है, जरूर जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया एएसएन का, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में भी आप लोग बहुत प्यार दो, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और बस इस मूवी को सपोर्ट करो, क्योंकि ये एक अलग तरीके की बनाई गई फिल्म है। अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करो, अच्छी चीजों को बढ़ावा दो, ताकि उन लोगों का हौसला और बढ़े और वो और अच्छी अच्छी फिल्में बनाए, ताकि हम लोग और एंटरटेन हो। तो बस इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ पायरेसी को सपोर्ट मत करना। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूं राशि शेख, बाय।